फिर आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व ज़रूर किए होंगे, पर ये हम अपने चैनल पर वही क्वेश्चन डालते हैं जो गेस क्वेश्चन होता है, इम्पोर्टेंट होता है, और कई जगह से मिलाकर पेपर से भी हम मिलाते हैं, सैम्पल पेपर से, बुक से और भी क्वेश्चन बैंक से। तो ये हमारा जो है, मैं इसे सॉल्व कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हम इसे LHS लेते हैं और हमें प्रूव करना है इतना हो गया, और ये 10 थीटा के बराबर प्रूव करना है। तो यहाँ हमारा जो है, हम पहले LHS में इसे ले लिए, साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर कॉस क्यू थीटा, ये क्यू है, और यहाँ फिर कॉस क्यू है ये थीटा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ साइन थीटा और यहाँ कॉस क्यू थीटा, और यहाँ भी है ये कॉस 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ दोनों में साइन हमें कॉमन मिल रहा है, तो साइन थीटा हम कॉमन ले लिए। जब साइन थीटा कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1 माइनस यहाँ हमारा 2, और यहाँ क्यू है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ से हम कॉस ले लिए, कॉस कॉमन ले लिए यहाँ से, तो कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्यू था और ये भी क्यू है, और यहाँ फिर यहाँ से कॉस, तो कॉस में कॉस से डिवाइड किए तो 1 बचा यहाँ पे, फिर हम यहाँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये कॉस थीटा हम यहाँ कर लिए, फिर इसे ऐसे कर लिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसको एक ब्रैकेट में डाल लेते हैं और फिर हम इसको तोड़ते हैं, इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम तोड़ते हैं, तो यहाँ हम 2 और ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं ना कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इतना होता है फॉर्मूला। अब हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पे जो तोड़ लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस 1, ठीक है, फिर हमारा ये हो गया साइन बटे कॉस, यानी ये 10 थीटा हो गया, तो 10 थीटा ये हो गया, और इनटू ये 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये -1, फिर हम यहाँ पे 10 थीटा इनटू ये हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको ब्रैकेट, और फिर हम यहाँ पे ये टू में से 1 माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी एक ब्रैकेट में, और ये दोनों कट गया क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गया है, 1 - sin² θ और 1 - sin² θ। अब हमें बचा के ये बचा हमें 10 θ, यानी LHS इज इक्वल टू RHS हमारा ये प्रूफ हो गया, हमें यही करना था। ओके, अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम अगला वीडियो जब भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा।